हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग स्टडी अबाउट कंप्यूटर स्टैंडर्ड 8 लेसन 1 हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जनरेशंस। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स अराउंड द ईयर 1920 एन इलेक्ट्रिक डिवाइस कॉल्ड द वैक्यूम ट्यूब वाज इनवेंटेड। इट ब्रॉट अबाउट अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ कैलकुलेशन। वैक्यूम ट्यूब वेयर बिग अ साइज प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ हीट एंड हैड अ शॉर्ट लाइफ। यानी कि 1920 में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया था। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? वैक्यूम ट्यूब, जो कैलकुलेशंस यानी कि कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था। वो एकदम साइज में बिग, साइज में बड़ा था, हीट यानी कि गर्म था एंड शॉर्ट लाइफ यानी कि वो ज्यादा उसका कोई आयुष्य ऐसा कोई ज्यादा चलता नहीं था। बिफोर वर्ल्ड वाइड कॉनराड ज़ूस अ जर्मन इंजीनियर बिल्ट एन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू। अ स्पेशल मशीन कॉल्ड कोलोसस वॉज बिल्ट इन इंग्लैंड। इट वॉज यूज टू क्रैक द कोड ऑफ द वायरलेस मैसेजेस ऑफ द जर्मन आर्मी। तो इसमें वर्ल्ड वाइड टू में क्या था थी? कि जर्मन का जो इंजीनियर था कॉनराड ज़ूस, उसने एक कोलोसस नाम का, जो इंग्लैंड में रहने वाला था, इसने कोलोसस नाम का एक मशीन लॉन्च किया था। तो इसमें क्या होता था कि इसमें कोई आर्मी का, कोई भी ऐसे आर्मी का हमें मैसेज यानी कि वायरलेस मैसेज जो होता है उसका हमें कोड फाइंड करना है तो एक कोलोसस में उसमें वो कर सकते थे। तो ये किसने लॉन्च किया था? कॉनराड ज़ूस ने, जो इंग्लैंड में रहने वाला था। नेक्स्ट, इन 1945 जेपी एक्ट एंड जॉन स्मोकली टू अमेरिकन इंजीनियर्स यूज वैक्यूम ट्यूब्स टू बिल्ड एनियाक। एनियाक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है, एनियाक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन यानी कि एनियाक था वो फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन था। सिंस द एनियाक कुड ओनली कैलकुलेशंस इट केम टू नो एज अ कंप्यूटर। यानी कि एनियाक ओनली फॉर यूजिंग कैलकुलेशन, इसमें आप और कुछ नहीं कर सकते थे। ये एक कंप्यूटर ही था, जो एनियाक यानी कि कंप्यूटर ही था। इसमें आप ओनली कैलकुलेशंस यानी कि इसमें आप ओनली फॉर कैलकुलेशन ही कर सकते हैं। फर्स्ट एनियाक में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। द एनियाक वॉज सो लार्ज दैट इट वुड ऑक्यूपाई अ बिग हॉल। इट हैड अराउंड 80,000 वैक्यूम ट्यूब्स इन कंज्यूम्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एनियाक में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन में, और इसमें एनियाक में 80,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, अ लार्ज अमाउंट। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक पावर का ज्यादा यूज होता था। बट इट हैड अ फैंटेस्टिक स्पीड ऑफ डूइंग कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन की स्पीड इतनी बेस्ट यानी कि फैंटेस्टिक थी। इट यूज टू परफॉर्मेंस 5,000 एडिशन इन 1 सेकेंड एंड 502 डिजिट मल्टीप्लीकेशन इन 1 सेकेंड। यानी कि उसकी स्पीड कितनी थी कि 1 सेकेंड में 5,000 एडिशन एंड 502 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन 1 सेकेंड में वो कर देता था। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स लाइक द एनियाक विच यूज वैक्यूम ट्यूब्स आर कॉल्ड द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो हमें ये याद रखना कि फर्स्ट जनरेशन में एनियाक में कंप्यूटर किसका यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। तो ये है एनियाक, आप देख सकते हो एनियाक का पिक्चर है, एनियाक कंप्यूटर्स। थ्रो दिस कंप्यूटर्स वेर वेरी लार्ज, दे वेर नॉट एफिशिएंट एज द स्मॉल पाम टॉप कंप्यूटर्स अवेलेबल टूडे। यानी कि एनियाक था वो हम कह सकते एक ही रूम में यानी कि एक ही कमरे में एक ही कंप्यूटर रहता था, इतना स्पेस इस कंप्यूटर को चाहिए था। नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। इन 1948 विलियम सोकली इन्वेंटेड अ ट्रांजिस्टर विच रिप्लेस्ड द वैक्यूम ट्यूब्स इन अ कंप्यूटर। यानी कि 1948 में विलियम सोकली, जिसने ट्रांजिस्टर नाम का डिवाइस लॉन्च किया था,
वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। अ ट्रांजिस्टर वॉज 200 टाइम्स स्मॉलर देन अ वैक्यूम ट्यूब एंड इट कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में हो कम इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कम पावर लेता था इलेक्ट्रिक पावर, और इसकी स्पीड, यानी कि इसकी स्पीड इससे भी ज्यादा थी, और वो वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में स्मॉल, यानी कि स्मॉल साइज में था। आप देख सकते हैं वो वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में ट्रांजिस्टर्स कहीं सारा कहीं ज्यादा स्मॉल साइज का है। एंड द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज बेटर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के कंपेरिजन में सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज करके उसका प्रोसेसिंग का स्पीड बढ़ गया था। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। इन 1958 जैक किल्बी इन्वेंटेड द चिप। ही फिक्स्ड द मेनी ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अ सिंगल चिप कॉल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो मैं वो आपको इंटीग्रेटेड सर्किट का पिक दिखाती हूँ। तो ये है इंटीग्रेटेड चिप जो थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का यूज हुआ था। आप देख सकते हो कई सारे इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यहाँ पे फिक्स्ड किए हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट, अ कुड बी फिक्स्ड ऑन अ चिप। टुडे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर अटैच्ड ऑन स्मॉल चिप। तो इसके चिप में थाउजेंड ऑफ कंपोनेंट्स जो अटैच किए थे, जो मैंने आपको बताया सर्किट्स, यानी कि द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वेर मच चीपर स्मॉलर इन साइज एंड देयर प्रोसेसिंग स्पीड वॉज कंसिडरेबली हाई। यानी कि कंप्यूटर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के कंपेरिजन में स्मॉलर, यानी कि साइज भी इसकी स्मॉल थी और प्रोसेसिंग की स्पीड भी ये दोनों के कंपेरिजन में हाई थी। नेक्स्ट, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जिसमें हम अभी प्रेजेंट, यानी कि हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ही यूज कर रहे हैं। द प्रेजेंट डे कंप्यूटर आर द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एज अ रिजल्ट ऑफ द VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। अ मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कैन बी फिक्स्ड ऑन सिंगल टाइनी माइक्रो प्रोसेसर चिप। यानी कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हम माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज करते हैं कंप्यूटर में। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो ये है माइक्रो प्रोसेसर चिप जो फोर्थ जनरेशन में हम अभी प्रेजेंट यानी कि हम यूज करते हैं। तो ये है माइक्रो प्रोसेसर चिप। इसमें अब इसको हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर चिप में यहाँ पे हम फिक्स करते हैं। तो ये जो भी कंप्यूटर का जितना भी कंट्रोल है, जितना भी स्टोर, ये छोटी सी चिप यानी कि माइक्रो प्रोसेसर चिप में एक कंप्यूटर पूरा कंट्रोल करता है। अ माइक्रो प्रोसेसर चिप कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। द माइक्रो प्रोसेसर चिप वॉज इन्वेंटेड 1969 बाई टेड हॉफ। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर चिप किसने लॉन्च किया था, 1969 में टेड हॉफ ने लॉन्च किया था। टूडेज पर्सन कंप्यूटर्स यानी कि पीसी, इसको हम क्या कहते हैं, पीसी, लैपटॉप कंप्यूटर्स, पाम टॉप कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मैन्युफैक्चर यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर चिप। यानी कि अभी जो लैपटॉप है, पाम टॉप कंप्यूटर्स है, सुपर कंप्यूटर्स है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है, वो सभी में अभी किसका यूज होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर चिप का। नेक्स्ट, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। टुडे एफर्ट्स आर ऑन टू मेक कंप्यूटर्स दैट इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज which will help a computer read what we write, speaks and modify the programs according to the requirements. This will require millions of electronic components fixed on chips. यानी कि फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर ऐसे लॉन्च हो गए कि अभी तो कंप्यूटर में क्या हम लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं, राइट? तो अभी फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर जो लॉन्च होगा, इसमें क्या फीचर्स आएंगे कि कंप्यूटर सिर्फ लिख नहीं पाएगा, वो बोल सकेगा। तो ऐसा कुछ इसमें प्रोग्राम
प्रोग्राम्स यानी कि ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कंपोनेंट्स इसमें चिप में फिट करेंगे जो कंप्यूटर में ऐसे न्यू फीचर्स आएंगे। तो अभी तो हम किस जनरेशन में है? फोर्थ जनरेशन में। थैंक यू।